हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी प्याज के पराठों की यह रेसिपी। तो बहुत ही क्रिस्पी और मसाले से भरे हुए प्याज के पराठे की रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज प्याज के पराठे की ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 बाउल मैंने आटा ले लिया है, गेहूँ का आटा। तो ये मैंने छान कर ले लिया है गेहूँ के आटे को, और इसको हम पहले इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मैंने देसी घी ले लिया है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम आटे में घी को और नमक को। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लिया है, देखिए। और अब इसका हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डाल के इसका नरम सा डो बना लेंगे एक। तो ये मैंने पानी डाल लिया है, थोड़ा सा पानी मैं और डाल लूँगी इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका मैंने देखिए डो बना लिया है। अब इसको हमें डो को अच्छे से गूँथना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से गूँथ लिया है इस डो को। तो हमारा डो रेडी हो गया है सॉफ्ट सा। तो देखिए सॉफ्ट डो लगाना है और इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने अब 3 प्याज को चॉप करके ले लिया है बारीक बारीक। मैंने प्याज को चाकू से चॉप कर लिया है। आप किसी चॉपर वगैरह में प्याज को चॉप ना करें, क्योंकि जो प्याज है वो पानी छोड़ देता है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून धनिया बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे हम प्याज में। और 2 मैंने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और 1/2 इंच मैंने अदरक को कद्दूकस में ग्रेट करके ले लिया है। और यहाँ पर मैंने देखिए 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी ले ली है, ये डाल देंगे। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून अजवाइन ले ली है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हाथ में मसल के इसमें डाल दूँगी। तो इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने चिली पाउडर ले लिया है, रेड चिली पाउडर। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने सारे मसालों को इसमें प्याज में। और यहाँ पर मैं ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो नमक मैंने इसमें अभी नहीं डाला है, नमक इसमें मैं पराठे बनाते टाइम डालूँगी, क्योंकि जो प्याज है वो पानी छोड़ देता है। भी प्याज के मिक्सर में बाद में ही नमक डालें। तो देखिए यहाँ पर आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हमारे डो को। तो इसको अच्छे से पहले मैं गूँथ लूँगी थोड़ा सा। तो मैंने इसको और सॉफ्ट कर लिया है गूँथ के। तो यहाँ पर मैं एक ये लोई तोड़ लूँगी। तो एक रोटी के आटे से बड़ी लोई लेनी है, तो पराठे के लिए थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये एक लोई तोड़ ली है, और अब इसको हम बनाएंगे। तो ये प्याज, अब हम पराठे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं प्याज के मिक्सचर में नमक डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल लिया है। तो देखिए नमक इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इस मसाले में, प्याज के मसाले में। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अगर प्याज पानी छोड़े तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको, तो ये पानी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ये लोई ले ली है, और थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा के इसको हम ऐसे हाथों से घुमाते हुए एक ये स्पेस बनाते हुए बीच में इसकी कटोरी सी बनाएंगे। और इसके अंदर मैं 3 चम्मच फिलिंग भरूँगी ये प्याज की। तो ये देखिए थोड़ा अंदर की ओर दबाते हुए इसमें मैं भर लूँगी, ये इसमें मैंने 3 चम्मच भर लिया है। तो इसको हम नीचे की ओर दबा देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दूंगी मैं, सूखा आटा, ताकि जो प्याज का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ये सोख ले। और इसको बंद कर देंगे हम ऐसे घुमाते हुए। तो देखिए बंद कर दिया है हमने इस लोई को, और थोड़ा सा इसको हम सूखा आटा लगा के पहले हाथों से ऐसे चपटा करते हुए इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए सूखा आटा लगा के मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हाथों से। अब सूखा आटा डाल के इसमें हम इसको बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलें इस पराठे को। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से इसको मैं बेल लूँगी, और इसमें जो ये थोड़ा सा ये प्याज निकलता है तो इसमें आप सूखा आटा स्प्रिंकल कर लें। तो ये देखिए हमने बेल लिया है। तो प्याज के पराठे में तो थोड़ा ये ऐसा होता ही, क्योंकि प्याज जल्दी पानी छोड़ता है। तो ये हमने बेल लिया है पराठे को, और इसमें मैं एक प्लेट में सूखा आटा डाल के इसको रख लूँगी, और ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। तो अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते हैं जैसे मैंने पहला पराठा बनाया है, तो इसको हम थोड़ा सा बेल के थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है, ज़्यादा बड़ा ना बेलें। तो ये देखिए लोई मैंने इसकी मोटी ली थी, जैसे मैंने पहले पराठे बनाया था जो उसकी ली थी। और इसको ऐसे थोड़ा सा बेल के इसमें हम 3 चम्मच फिलिंग भर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें प्याज भर लिए हैं मसाला, और अब इसको हम बंद कर लेंगे ऐसे चारों तरफ से ऐसे घुमाते हुए।
अच्छे से इसको हमने देखिए बंद कर लिया है और इस आटे को हम इसी में बंद कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें आटा डाल के इसको हम हाथों से चपटा करके पहले थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए मैंने हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है चपटा करके और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी और टेस्टी पराठे बनते हैं फ्रेंड्स, प्याज के पराठे। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है इसको हल्के हाथों से, तो ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं बेलना है नहीं तो फट जाएगा ये पराठा। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको बेल लिया है। तो ये हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, तो ऐसे ही हम और पराठे भी बना लेंगे फ्रेंड्स। और अब चलिए इसको सेकते हैं पराठों को। तो मैंने इस तवे में इस पराठे को डाल दिया है, अब इसको पलट लेंगे और इस तरफ से ये हल्का सिक गया है। अब इसमें हम घी लगा लेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर बनाए ये जो पराठे हैं इनको। तो मैंने घी लगा लिया है देसी घी, तो इसको हम रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी पलट लेंगे, तो इस तरफ भी मैं घी लगा लूँगी अच्छे से। तो ये सिक गया है, ऐसे ही हम चारों तरफ से इसको ऐसे दबा दबा के सेकेंगे पराठों को। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसके जो किनारे हैं उनको दबाते हुए सेक लेंगे पराठों को और ये हमारे जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। और ये हमारा पहला पराठा हमने सेक लिया है, ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो ये हमने डाल दिया है पराठा, इसको पलट लेंगे और इस पर भी हम घी लगा लेंगे ऊपर से। तो ये देसी घी लगा लेंगे, देसी घी में बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स ये पराठे। तो अब दूसरी तरफ से पलट लेंगे और यहाँ पर भी इसमें हम घी लगा लेंगे अच्छे से। तो घी लगा लिया है, अब इसके हम ऐसे कोने दबाते हुए इसको भी सेक लेंगे अच्छी तरीके से। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता बनता है फ्रेंड्स और जल्दी भी बन जाता है। तो इसको देखिए हमने सेक लिया है ऐसे दबाते हुए, तो ये हमारे पराठे रेडी हो गए हैं। ऐसे हम और पराठे भी सेक लेंगे। तो ये लीजिए हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, तो चलिए हम सर्व करते हैं। तो ये प्याज के टेस्टी पराठे रेडी हैं, इसको हम दही के साथ या मक्खन के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ये पराठे। तो लीजिए हमारे जो प्याज के पराठे हैं वो रेडी हैं। फ्रेंड्स आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा टेस्टी पराठों की रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।